आगामी चुनाव को लेकर भिंड प्रभारी कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने दावेदारों के साथ मीटिंग ली। भिंड में भी आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर विभिन्न पार्टियों के द्वारा तैयारियों को लेकर मीटिंगों का दौर जारी है। इसी क्रम में भिंड कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने पंचायत एवं निकाय के दावेदार प्रत्याशियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें भिंड नगर पालिका के प्रभारी एवं त्रिस्तरीय पंचायत समन्वयक कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कांग्रेस के द्वारा जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है उन पर मंथन भी चला, तो वहीं कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अब भाजपा को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पंचायत एवं निकाय के चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कई वर्षों से संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, आज ये उन कार्यकर्ताओं का चुनाव का समय है। वो चाहे पंचायत चुनाव लड़ें, चाहे नगरीय निकाय चुनाव लड़ें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव जीत के आएँ। माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि ये कार्यकर्ता जिससे मजबूत हो हमारा, मानव सेवा, जनसेवा करे। और जो भाजपा सरकार शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि कई वर्षों तक चुनाव को टालते रहे, वो मंशा के अनुरूप उन्होंने ये अभी भी चुनाव नहीं कराते अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होते। तो जिस तरीके से हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही थी, ये चुनाव जो आया है इसमें हमारी सभी से प्रार्थना है कि महंगाई को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पर यूरिया खाद बिजली पानी नहीं मिला, महंगे दामों में बीज खाद मिले, इन सबको देखते हुए हम मांग करते हैं सभी आम नागरिकों से, किसानों से, कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार को सबक सिखाने का अवसर यही है।